हेलो दोस्तों, जब भी मीठा खाने का मन हो तो इस प्रकार की मिठाई बना के तैयार करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल लिया देसी घी, यानी एक चम्मच देसी घी डाला है। आपके पास जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए। तो उसके बाद डाला मैंने एक कटोरी नारियल का पाउडर, और ये इजी तरीके से मिल जाता है किसी भी किराना स्टोर पर जाके। तो दोस्तों, ये मैंने अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल मंदी गैस पे इसको 2 से 3 मिनट भूनना, ये भून चुका है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, आप चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हो। इसके बाद हम डालेंगे दूध, दूध डालेंगे हम आधा गिलास, और उस दोनों चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे और इसको पकाएंगे हम जब तक एक गाढ़ा सा डो बन के तैयार ना हो जाए। ये देखिए, और इसको मंदी गैस पे ही पकाते रहेंगे जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और ये देखिए जी, इसको फटाफट हम चलाते रहेंगे, चलाना बिल्कुल ना छोड़े, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। और इसमें चाहे आप ज़्यादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये कम घी में बन के बहुत अच्छे से तैयार होती है। तो ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होने लगा, ये देखिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू इसको चलाती जा रही हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, जब ये बिल्कुल अच्छे से अच्छा डो तैयार हो जाएगा तो एक प्लेट में लेंगे, घर में कोई भी प्लेट हो उसमें आप थोड़ा सा घी लगा के उसको ग्रीस कर लेना अच्छे से प्लेट को, और उसमें सारा डो डाल देना। और उसके बाद इसको टैप टैप करके इसको अच्छे से फैला देना। और दोस्तों, बहुत इजी तरीके से मिठाई बन जाएगी ये, और खाने में तो टेस्टी होती ही है। और इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, आप चाहें तो इस पर काजू बादाम जो भी आपके पास हो वो डाल देना। मेरे पास ये पिस्ता था तो मैंने डाल दिया है। इसको फ्रिज में ठंडा करेंगे 1 घंटे के बाद। देखिए कितने अच्छे से ये पीस काट दिए मैंने, और ये मिठाई हमारी बन के हो गई है रेडी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार ये मिठाई कभी बना के खा लेना। और मेरी वीडियो कैसे लगी आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपके एक लाइक से मुझे हौसला मिलता है। और उसके बाद वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, जिनको बनानी नहीं आती वो भी इस आसान तरीके से मिठाई बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर तो ज़रूर किया करें। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों, देखने में कितने अच्छी और टेस्टी मिठाई बन के तैयार हो गई है। तो बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को वैसे ही देखते